वेलकम स्टूडेंट। पिछली क्लासेस में हमारा जो इसका पार्ट वन था उसमें हमने इमोशन से रिलेटेड जो होता है कुछ ऐसे पॉइंट्स को याद पढ़ाया और उसको समझाया जो हमारे मॉनसून को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। पिछली क्लासेस में हम थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं क्या क्या चीज़ें डिस्कस करी। तो पिछली क्लासेस में जो हमने तीन बातों का बहुत अच्छे से ध्यान दिया, पहला जो सूरज का जो अप एंड डाउन है, ठीक है, जो सूरज जो अपने एक लेवल जीरो डिग्री से 23 डिग्री जो होता है ऊपर और 23 डिग्री नीचे इतना मूव करता रहता है, मतलब मूव करता मतलब उसकी जो रेज है वो डायरेक्ट पड़ती है। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर के सूरज की रोशनी नहीं जाती है, ऐसा नहीं। जैसे मान के चलो कि मैं ये मेरी नोज जीरो डिग्री है तो मैं जो होता है यहाँ से यहाँ तक जाऊँ जो है यहाँ तक मेरी रोशनी जो है मेरी जो रेज है वो यहाँ से यहाँ तक जाएगी पूरी डायरेक्ट जाएगी, मतलब सीधी पड़ सकती है क्योंकि मैं जब उठ के यहाँ आऊंगा तो मेरी डायरेक्ट आएगी और जो मैं उठ के नीचे जाऊंगा तो मेरी यहाँ पर डायरेक्ट आएगी। लेकिन मैं इसके ऊपर जो होता है सूरज जो टेढ़ा जो होता है सूरज की रोशनी थोड़ी सी टेढ़ी टेढ़ी जाया करेगी, मतलब डायरेक्ट नहीं पड़ेगी। इस वजह से यहाँ पर आपको चीजें याद रखनी है। तो उसकी वजह से क्या होता है हमारे इंडिया में भी जो है लो प्रेशर जो होता है क्रिएट होता है काफी अच्छा खासा, तो और नीचे जब जाता है तो हाई प्रेशर क्रिएट होता है। तो ये चीज याद रखना, मतलब ऊपर हो रहेगा तो ऊपर अच्छा, अगर सूरज मेरे यहाँ पे तो यहाँ खूब गर्मी होगी, गर्मी होने की वजह से यहाँ पे भाप बनेगा, यहाँ की जो है यहाँ का जो एयर है वो लाइट वेट होगा हल्का होगा, तो इस वजह से यहाँ पे क्या हल्का हो जाएगा तो प्रेशर जो होता है दबाव जो होता है प्रेशर का वो कम रहेगा। लेकिन जैसे नीचे से जो हवा फिर जैसे ही दबाव जो होता है प्रेशर कम रहेगा तो जो भारी हवाएं हैं वो इसकी जगह पे आने लगेंगी। तो ये हमने किसकी वजह से देखा था, ये सन की वजह से देखा था, जहां पर गर्मी होगी वहां पे लो प्रेशर क्रिएट होगा और जहां पे ठंडी होगी वहां पर हाई प्रेशर क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा? हाई प्रेशर क्रिएट होगा। इतना समझ में आएगा आपको, वही चीज हमने याद रखी। दूसरी चीज हमने याद रखी थी यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स के बारे में, किसके बारे में याद रखा था? कोरियोलिस फोर्स क्या होता है उसी में हमने फेरल का लॉ कि जीरो डिग्री की ऊपर की जो हवा चाहे जिधर से भी आ रही वो अपने राइट में चली जाएगी और जीरो डिग्री के जो नीचे की जो हवाएं होती है वो अपने लेफ्ट में चली जाएगी। किस में चली जाएंगी? लेफ्ट में चली जाएंगी। तो ये कल हमने सारी चीजों के बारे में अच्छे से डिस्कस यहाँ पर किया था, आज हम उसी के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आज से हमारा जो मॉनसून कैसे स्टार्ट होता है वो सारी चीजें हैं। मैंने उसके बारे में ब्रीफ डिस्कशन देखा था कि जो हमारा मॉनसून शब्द है वो अरेबियन ट्रेडर्स यहाँ से अरेबियन जो था कंट्रीज होंगे यहाँ से अरेबियन ट्रेडर्स आते थे मसाले वसाले का जो था ट्रेड करते थे, मसाले के स्पाइसेस को ले जाके फिर वो यूरोप में भेजते थे। तो उनको इनके बारे में थोड़ा सा पता चला कि ये जो मॉनसून की जो हवाएं आती हैं जो वेव्स आती है वो आती है और इनकी हेल्प करती है, इनकी नाव को चलाने में वो हवाएं आगे खींचने में हेल्प करती है। तो उनको ये काफी चीजें पता थी उन्हीं से जो हमने सीखा था। सबसे पहले इसको किताब में किसने? अल मसूदी ने अपनी किताब में लिखा था, ठीक है। ये सारी चीजें हमने जो था ब्रीफली डिस्कशन किया हुआ था। आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो है हम हवाओं की एंट्रेंस देखेंगे कि जो मॉनसून का बादल है वो भारत में कैसे आता है और कैसे चला जाता है। इसके लिए मैं आपको दो चीज बताऊंगा, पहले से दो चीज आपको पहले देखो, पहले कुछ हमें माउंटेन्स के बारे में समझना पड़ेगा, कुछ हमें हिल्स के बारे में। जैसे आपको पता है कि हमारा जो होता है फिजिकल जो होता है डिवीजन है आपने देखा वो चार में और फिर फर्दर छह पार्ट में डिवाइड होता है। तो उसमें आपने दो चीज पढ़ा होगा, हिमालयंस माउंटेन, ऊपर क्या है हमारे हिमालयन माउंटेन्स है और नीचे जो है हमारा ये पार्ट पेनिनसुलर प्लेटूज है। क्या है? पेनिनसुलर प्लेटू है। देखो बच्चों, हिमालयंस और पेनिनसुलर प्लेटू इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है, किसमें? मॉनसून के पार्ट में, ठीक है। क्योंकि देखो हवा जो है ये बस एक छोटी सी चीज समझ लो, देखो अगर मैं बादल हूँ, ये बादल है तो ये बादल चलता चलेगा बारिश नहीं करेगा, हल्की फुल्की बारिश देगा बहुत हल्की फुल्की, लेकिन अगर आपको अच्छा खासा बारिश चाहिए बहुत बड़ी तरह तो इसको किसी से टकराना पड़ेगा। जैसे जैसे ये आएगा आएगा ना सीधा मेरे से टकराएगा तो अब यहाँ पे बारिश होगी अच्छे से अच्छी खासी बारिश होगी और जो मेरे पीछे का एरिया है वहां पे बारिश नहीं है, बारिश मतलब बहुत कम होगी हल्की हल्की बारिश, जो बादल हल्का सा इसको ऊपर जो बादल जैसे ये इसके ऊपर है तो आगे तो निकल जाएगा तो हल्की फुल्की बारिश नीचे करवा देगा, लेकिन ज्यादातर बारिश मेरे जो है इस आगे ही होगी पीछे बारिश नहीं होगी। तो जो पीछे का एरिया होता है उसे हम रेन शैडो एरिया कहते हैं। कौन सा कहते हैं? पीछे का एरिया को रेन शैडो एरिया कहते हैं। तो इसका मतलब हमने देखा बारिश वही कराएगी जो किसी से पहले टकराएगी, बिना बादल टकराए हुए वो बारिश नहीं करा सकती, कोई भी बादल नहीं कराए, उसको टकराना जरूरी है बारिश कराने के लिए। क्या करना जरूरी है? टकराना जरूरी है। तो इसीलिए देखो यहाँ पे हमें कुछ कुछ चीजें यहाँ पे समझनी पड़ेगी। देखो ऊपर तो हमें पता है यहाँ पे इसको ये क्या हिमालय माउंटेन्स है, यहाँ पे हम ये रखते हैं शिवालिक का रेंज हो गया, ठीक है, हिमालय माउंटेन्स को समझ लेते हैं, बस आप समझो, ठीक है। चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हिमालय का, डिवीजन नहीं बता रहा, वो भी बताऊंगा मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आप सबके लिए। हिमालय को कैसे दो बेसिस पे अगर हम देखें कि अगर जो है रिवर के बेसिस पे देखें तो अलग से बांटा गया है, अगर हम इसके विड्थ के बेसिस पे देखें तो अलग डिवाइड किया गया, वो सब हम बात करेंगे। ऊपर क्या हो गया? हिमालय की रेंज हो गई, ठीक है।
ये बच्चों देखो, ये हमारा यहाँ से पेनिनसुलर प्लेटू आता है, ठीक है, पूरा पेनिनसुलर प्लेटू आता है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, ये क्या है, ये आपका वेस्टर्न घाट है, ठीक है, ये क्या है, वेस्टर्न घाट। आगे सर में ये याद रखना, ये आपका क्या है, ये थोड़ा ये आपका ईस्टर्न घाट है, ये क्या है जो आपको ईस्टर्न घाट है, याद रखना। ये क्या हो गया आपका, थोड़ा सा मैं आपको डार्क कर देता हूँ, ये क्या है, ये ईस्टर्न घाट है, याद रखना देखो यहाँ से, ये क्या हो गया, ईस्टर्न घाट है। इसमें भी छोटे छोटे माउंटेन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे आपका आ गया सतपुड़ा हिल्स आ गया, यहाँ पे कौन सी आ गई, सतपुड़ा की हिल्स आ गई, और यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे विंध्याचल है, यहाँ क्या हो गया, विंध्याचल है, यहाँ पे क्या है, अरावली पर्वत है, माउंटेन है, अरावली पर्वत तो कहते हैं हिल्स ही बोलते हैं, पर्वत अब छोटा हो गया, सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, बताया माउंटेन कौन सा है, तो अरावली माउंटेन, ठीक है। ये यहाँ बच्चों याद रखना, झारखंड में ना यहाँ पे ना एक जो है वो राजमहल जो है, राजमहल की पहाड़ियां हिल्स है, राजमहल की हिल्स है, ये कौन सा हो गया, ये राजमहल की हिल्स है। बच्चों तुमने याद रखना, माउंटेन का मैं अलग चैप्टर लेके आऊंगा, उसमें माउंटेन भी आपको पढ़ाना जरूरी है। फिर से छोटी छोटी चीजें, बेसिक चीजें मैं बता रहा हूँ कि उससे क्या फर्क पड़ता है, जैसे यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ पर गिर माउंटेन है, यहाँ पे बच्चों क्या है, गिर माउंटेन, गिर हिल्स से मान के चलो, पहाड़ी है, माउंटेन तो नहीं कहेंगे, पहाड़ी है, गिर पहाड़ी है, ठीक है, तो यहाँ पे गिर है, ठीक है, इतना याद रखना है। तो ये क्या हो गया, गिर वाला हो गया। फिर से बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से, माउंटेन को तो समझना पड़ेगा बच्चों, अगर मानसून को समझना है तो आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बच्चों, एक यहाँ पे आती है इलायची, यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे इलायची माउंटेन आता है, इलायची हो गया, ठीक है, और यहाँ पर एक हो गया अन्नामलाई का, यहाँ पे क्या हो गया, अन्नामलाई, अन्नामलाई का माउंटेन हो गया, अन्नामलाई का माउंटेन हो गया, दो जो था माउंटेन है हिल्स बोल लो, तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। क्या, सतपुड़ा हिल्स हो गए, विंध्याचल हिल्स हो गए, वेस्टर्न घाट हो गया, ईस्टर्न घाट हो गया, इलायची हिल्स हो गए, और यहाँ पे अन्नामलाई हिल्स हो गई, राजमहल होगी, इधर आप देखोगे तो इस साइड में आपको और मिलेगी रामगढ़ की हिल्स मिलेगी, लेकिन आपको इतना याद रखना है, राजमहल होगी। इसमें क्या हो गया बच्चों, यहाँ याद रखना, देखो गारो, ये क्या है, गारो, खांसी ऊपर की तरफ, और जैतिया, ठीक है, दिखा ऐसा हो लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा होता है बच्चों, गारो, खांसी, जैतिया, ठीक है, याद, एक कीप की तरह रहता है, गारो, खांसी, जैतिया, ये हो गया आपको, ठीक है, इतना याद रखना। और इस साइड भी होते हैं राम जो है, इस साइड भी है, इस साइड हमें नहीं समझना, बस इतना आपको समझ गया, इतना चीजें आपको समझना, अरावली हो गया, ये विंध्याचल हो गया, ठीक है, ये थोड़ा सा सतपुड़ा की हो गई, ये आपको इतना याद रखना। ये देखो, ये क्यों मैंने बस इतना बताया, क्योंकि ना ये हमारे माउंटेन जो होते हैं, मतलब मानसून है, उसको इफेक्ट करता है। देखो पहले फिर से बोल रहा हूँ, ये पहाड़ मैंने आपको माउंटेन्स और हिल्स इसीलिए बताए हैं क्योंकि बारिश हुई, मानसून को क्या, कहाँ पर मानसून का बादल बरसेगा और कहाँ पर मानसून का बादल नहीं बरसेगा, ये डिपेंड करता है, ये माउंटेन कौन करता है, डिपेंड करता है माउंटेन करता है, कौन करता है आपको, माउंटेन करता है, इसीलिए याद रखना, ठीक है। फिर से मैं कहता हूँ, अब यहाँ से हम मानसून को पकड़ते हैं, मानसून की एंट्री करवाते हैं, ठीक है, उसे मानसून की एंट्री करवाएंगे। सबसे पहले फिर से मैं रिपीट कर दूँ, देखो अन्नामलाई हिल्स, इलायची हिल्स, वेस्टर्न घाट हो गया, ईस्टर्न घाट हो गया, राजमहल, देखो ये मैंने वैसे बीच में बहुत आते हैं, लेकिन इसको मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसका ना विड्रोल मानसून पर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका। तो ये कौन सा हो गया, राजमहल हिल्स हो गए, आप सबको दिख रहा होगा हल्का हल्का, और इसमें हो गया आपको देखो एक जो था ये कौन है, अरावली हिल्स हो गए, गिर हिल्स हो गए, सतपुड़ा, विंध्याचल और सतपुड़ा, इतना आपको याद रखना। ये सब क्या है बच्चों, ये देखो कुछ माउंटेन और आपको इसमें समझना है, मैदान, माउंटेन, इसमें छोटा सा डेफिनेशन देखो बच्चों, छोटा सा, ये मान के चलता हूँ ये सी लेवल है, ये क्या है, सी लेवल है, ये 0 डिग्री का सी लेवल है। फिर मैं ये बताता हूँ, ऐसा होता है हमारा, बस कुछ नहीं है। देखो ये अब क्या हो गया, ये हमारा माउंटेन हो गया, और ये 0 डिग्री तो मैंने बता दिया, 0 डिग्री तो नीचे से होता है, ये 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर की ये लाइन है, 100 मीटर की, 1000 मीटर की, कितने की बच्चों, 1000 मीटर। कोई भी चीज, अगर कोई माउंटेन होगा, प्लेटू होगा या कुछ भी होगा, उसके लिए हमें ये चीज याद रखना है। इसके लिए चीज, अगर कोई भी ऐसी ऊंची जमीन जो 1000 मीटर से ऊपर है, और अगर उसका थोड़ा सा तिकोना सा वो है, थोड़ा सा प्लेन ऐसा ना होकर ऐसा है, 1000 की, जैसे ये 1000 मीटर की, ये कितना है, ये 1000 करते हैं, और ना ये देखो 1000 का है,
इसके ऊपर ठीक है 1000 मीटर जमीन से 1000 मीटर समुद्र के सी लेवल से, कहां से ये समुद्र की ये सी लेवल है, क्या है सी लेवल जीरो, सी लेवल से, तो याद रखना है सी लेवल से, सी लेवल से 1000 मीटर के जो ऊपर होगा और ऐसे होगा वो क्या माउंटेन कहलाएगा, हल्का सा नीचे होगा तो वो हिल्स कहलाएगा, लेकिन वो 1000 मीटर से ऊपर है लेकिन जो था फ्लैट है ऐसे टेबल की तरह, क्या है टेबल की तरह है, तो वो क्या प्लेटू कहलाएगा, क्या कहलाएगा प्लेटू कहलाएगा, लेकिन वही चीज 1000 मीटर से नीचे है तो क्या प्लेन कहलाएगा, क्या कहलाएगा प्लेन कहलाएगा, बस इतना चीजें आपको याद रखना है ठीक है। आइए अपने टॉपिक पे बात करते हैं ठीक है, ये समझाने के लिए माउंट कितना समझ में आ गया, ये चीज आपको समझ में आ गया कि ये चीज आपको याद रखनी है माउंटेन क्या चीज है किस तरीके से, ये याद रखना। अब एंट्री करवाते हैं, एंट्री करते हैं, देखो मैंने बोला कि मॉनसून को एंट्री लेनी है, तो ये आगे मॉनसून की बात है, कहां से आ रहा है हमारे यहाँ गर्मी का टेंशन है, जून का सूरज हमारे ऊपर आ चुका है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं सूरज ने आया यहाँ की सारी हवाओं को गर्म करके ऊपर उठा दिया, गर्म करके क्या करते हैं ऊपर उठे, जगह हो गई खाली, जगह क्या हो गई यहाँ पर खाली, अब नीचे से जो ठंडी हवाएं हैं, नीचे से जो ठंडी हवाएं हैं वो आ रही है, अब आप बताओगे तो ठीक है, ये देखो आ गया, अब ये हवा तो सीधी जानी चाहिए आप लोगों के साथ सीधी जाएगी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे याद रखना है फेरस का लॉ, फेरस का लॉ क्या करता है, कहता है कि जो ऊपर में 0 डिग्री के ऊपर में, हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है आज से स्टार्ट होता है, तो हम 0 डिग्री के नॉर्थ में आते हैं, किस में आते हैं 0 डिग्री के नॉर्थ में आते हैं, तो याद रखना हमें तो सीधा जाना चाहिए, लेकिन फेरल ने याद हमें रखना है कि फेरल ने क्या कहा था कि 0 डिग्री के बाद ऊपर जितनी हवाएं हैं वो अपने राइट साइड हो जाएंगी, यहाँ से जाएंगे तो निकल जाएंगे राइट में, तो ये हवाएं जो है सीधे ना जाने के बजाय वो यहाँ से आती है और ऐसे मुड़ जाती है, ऐसे मुड़ती है, क्या करना है ऐसे मुड़ती है, ऐसे ऐसे मुड़ती है, ऐसे चलती है, इस तरीके से जो है चलती रहती है, यहाँ पहाड़ पर गया इसमें, अब यहाँ क्या आ गया पहाड़ आ गया, बीच में क्या आ गया पहाड़ आ गया, यहाँ से क्या होता है बच्चों दूर, ये क्या हमारा अरेबियन सी है, ये क्या हमारा बे ऑफ बंगाल है, तो यहाँ से हवाएं जो होती है नीचे आती है और तमिलनाडु के पास जो होता है ये जो हमारी जमीन से टकराने की वजह से, ये इन पहाड़ियों से टकराने की वजह से अपने दो पार्ट में बढ़ जाती है, कितने पार्ट में बढ़ जाती है पहाड़ी से टकराने की वजह से दो पार्ट में बढ़ जाती है, तो यहाँ से जो हवा मानसून की हवा चली गई है, ये क्या करती है मानसून की हवाएं करती है ठीक है, ये जा रही है मानसून की हवा ठीक है, ये इधर चली गई और ये वाली इससे टकरा के ये इधर चली गई, क्या है यहाँ से इधर चलती है, यहाँ से आती है और तीन पार्ट में यहाँ से एक इधर निकल जाती है, एक इधर निकल जाती है, एक इधर निकल जाती है, क्या होती है एक इधर उधर निकल जाती है, आगे ध्यान रखना, ध्यान रखना बिल्कुल अच्छे से ठीक है, तो इधर तो तमिलनाडु के पास जो इधर से बट गया, इधर वाले जो दो ब्रांचेस आ गए, कितनी ब्रांचेस आ गई दो, इससे जुड़ने का एक इधर ब्रांचेस चलेगी हवा की, हवा जा रही है सीधा सीधा की हवा है, ये हवा आ रही है ठीक है, ये देखो हवा आ रही है, ये इन दोनों जो पहाड़ी है, ये पहाड़ी है वेस्टर्न घाटी है, नीचे आते ही हवा दो पार्टों में बढ़ गई, कितने पार्टों में बढ़ गई दो पार्टों में, एक यहाँ चला गया ऐसे, एक यहाँ चला गया ऐसे, किसमें इधर उधर चला गया, इधर वाला जो गया उसको बे ऑफ बंगाल ब्रांच कह दिया, इधर वाला जो चला गया अरेबियन सी का ब्रांच हो गया, देखो ये क्या बे ऑफ बंगाल है यहाँ पे अरेबियन सी, इसलिए इनका नाम भी इसी पे बढ़ गया, ये क्या हो गया बे ऑफ बंगाल ब्रांच हो गया और ये अरेबियन सी ब्रांच हो गया, आगे समझ में कहाँ से हो गई तमिलनाडु से, इससे तमिलनाडु से दो ब्रांचों में हवा बट गई, कौन बट रही है हवा बट रही है, इतना आपको समझ आया, अभी इसको छोड़ देते हैं पहले इस वाले को लेके चलते हैं, देखो सबसे पहले ये ना यहाँ पे तट है ठीक है, समुद्र से जो जोता है समुद्र से जोता है करीब में जो जगह होती है उनको हम कोस्ट कहते हैं, क्या कोस्टल एरिया कहते हैं कोस्टल एरिया, तो यहाँ पे एक मालाबार कोस्ट है, कौन सा कोस्ट है बच्चों एक मालाबार कोस्ट है, तब केरल में पड़ता है, क्या केरल में क्या पड़ता है मालाबार कोस्ट होता है, तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि मानसून से सबसे पहले वर्षा कहाँ होती है, बारिश कहाँ होती है, रेन कहाँ होता है, तो वो क्या होता है मालाबार के केरल के मालाबार तट पे, केरल के मालाबार कोस्ट पे, मालाबार कोस्ट पे याद रखना चीज ठीक है, किसने केरल के मालाबार कोस्ट पे, इसके बाद देखो इसके बाद ये यहाँ से होते हुए यहाँ पे देखो अब बताओ यहाँ से पहाड़ से टकरा रही है तो बारिश यहाँ ज्यादा होगी कि इसके इधर एरिया में ज्यादा, अभी मैंने बोला था कि बारिश मेरे सामने से बादल टकराए थे कहीं ज्यादा होगी कि मेरे पीछे ज्यादा होगी, तो मेरे सामने तो ये वाला एरिया बन जाता है जो तक बारिश अच्छी खासी होती है, बट ये वाला एरिया रेन शेडो एरिया बन जाता है, क्या बन जाता है रेन शेडो एरिया बन जाता है, यहाँ बारिश बहुत कम होता है, इसीलिए आपने देखा होगा कि तमिलनाडु आंध्र प्रदेश गले जो इलाके हैं कर्नाटक का बीच का जो इलाका पानी से इतनी मुसीबतें में रहता है और किसान यहाँ पर ज्यादातर सुसाइड करते हैं, आप देख सकते हो जबकि मॉनसून आ रहा है लेकिन ये जो पर्वत है ये जो बीच में वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट है ये यहाँ पे
बारिश होने नहीं देते क्योंकि बारिश पहले ही हो जाती है, इस वजह से यहाँ पे ज्यादा बारिश होती है और वहाँ पे ज्यादा बारिश नहीं होती है। आगे समझ में इतना चीजें, तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसके बाद देखो यहाँ क्या है, इसके बाद ना ये ब्रांच यहाँ गया, इसके बाद ये ब्रांच इधर गया। अब इधर क्या होता है बच्चों, आपने देखा होगा कि यहाँ पर ये इस जगह कच्छ का जो है ये दादर नगर हवेली दमन एंड दीव मिलेगा आपको, ठीक है, कच्छ मिलेगा आपको, ठीक है। तो इस वाले कच्छ के इलाके में यहाँ पे तो आपको रेगिस्तान मिलता है ज्यादा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको रेगिस्तान का पूरा इलाका मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि लोग बादल ने क्या करते हैं यहीं पे आकर यहाँ पे गिर माउंटेन आते हैं, गिर हिल्स आ गए, गिर हिल्स ने क्या किया बादल को यहीं पर रोक दिया, इसके पीछे जाने नहीं दिया, इस वजह से बारिश यहाँ पर हुई नहीं और डायरेक्ट ये मानसून कहाँ से इधर वाला ये जो एक जो हवा जा रही थी खत्म हो गई। क्या हो गई यहाँ पर? खत्म हो गई। और दूसरा जो जाता है, अब बताओ ये तो बिल्कुल सीधा है, अगर मैं सीधा जाऊंगा तो यहाँ से कुछ तो यहाँ नहीं रुकेगा, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा यहाँ से निकल, तो इस वजह से ये तो यहाँ पे खत्म हो जाता है। दूसरा जो ये आता है, दूसरा हम देखो दूसरी ब्रांच जो होती है ये वाला यहाँ चला गया, एक मिनट हाँ ये देखो ये एक यहाँ आती है, एक दो यहाँ मारकर, ठीक है, देखते रहना बच्चों बहुत ईजी देखो समझ में आएगा। ये क्या हिल्स है, एक ब्रांच यहाँ चली जाती है और एक ब्रांच यहाँ आ जाती है, तीन ब्रांच निकलते हैं, हवाएं तीन तरफ मुड़ती है, ब्रांच छोड़ो हवाएं तीन तरफ मुड़ रही है, कितनी तरफ मुड़ रही है, सीधे सीधे आई, पहले यहाँ से अटक गया तो चली गई, एक गिर पर्वत ने खत्म कर दिया, एक ऊपर चली गई और एक ऊपर चले जाने की वजह से यहाँ पर देखो इसमें ये फंस जाती है। क्या फंस जाती है? यहाँ पे एक रामगढ़ की माउंटेन आती है, इसमें फंस जाती है हवा, इसमें इसीलिए आप देखो सतपुड़ा के और विंध्याचल के बीच में ये इतनी तेज होती है, इतनी तेज यात्रा, इतनी गोदावरी नदी, वो नर्मदा, क्योंकि नर्मदा नर्मदा नदी यहाँ से बहती है, इतना पानी यहाँ पे आता है, इतनी वर्षा होती है इनके बीच में, आप देखना क्यों होती है, क्योंकि ये हवा जो होती है इनके बीच में ही होती है, फंस जाती है, इन्हीं के बीच में रहती है और यहाँ पे वर्षा अच्छी खासी होती है। तो यहाँ एक हवा इसमें फंस गई, एक हवा की थोड़ी हवा इसमें चली गई, बाकी हवाएं जो होती है ये यहाँ से चलती है, किसमें? इसमें चली गई। इसी वजह से आपने देखा होगा कि दिल्ली में बारिश बारिश होती है और इसमें दिल्ली से इस ब्रांच से दिल्ली बिहार तक थोड़ा दिल्ली हो गया, थोड़ा सा इलाका उत्तर प्रदेश हो गया, फिर ये यहाँ से धीरे धीरे जाएगी ऊपर जी जाएगी, यहाँ से टकराएगी, यहाँ पे टकराएगी, तब आप देख दो यहाँ से जब टकराएगी, यहाँ से जब टकराएगी तब आपने देखा होगा उत्तराखंड में जो होता है बोलते हैं कि बादल फट गया, क्यों? यहाँ पे अचानक से माउंटेन आता है, देखो तुम सब भाग रहे हो तेज तेज भागते जाओ, अचानक से सामने से दीवार आ गई तो भटलक के नीचे गिरोगे कि नहीं गिरोगे? उसी तरीके से बादल यहाँ से अच्छे से जा रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है अच्छे से जा रहा है, लेकिन अचानक से ये इसमें टकरा जाता है, किसमें जाता है? यहाँ पे हिमालय से टकरा जाता है, इसी वजह से यहाँ कहते हैं क्लाउड ब्रस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? क्लाउड ब्रस्ट, बादल फटना कहते हैं इसे, क्या बोलते हैं? बादल फट गया, क्लाउड ब्रस्ट हुआ। तो यहाँ पे आप क्या सुन रहे हैं? तो ये यहाँ पे इसीलिए उत्तराखंड में आपने लैंडस्लाइड ये बहुत सारी घटनाएं देखी होगी, इसकी वजह से इतना समझ में आया। फिर उसके बाद ये टकरा के पंजाब में आती है, किसमें टकराती है? फिर पंजाब में बारिश होती है, किसमें होती है? पंजाब में बारिश होती है, तभी आपने और सबसे अंतिम लास्ट में पंजाब में बारिश होती है। फिर से एक बार देखें, मॉनसून आ रहा है, फेरस लो की वजह से इधर मुड़ गया, दो ब्रांचेस हो गए, इधर वाले गया कि अरे यहाँ पे बिहार बंगाल और उधर वाला क्या हो गया? अरेबियन सी, ये वाला क्या हो गया? अरेबियन सी हो गया, आया समझ में इतना। फिर इधर वाला गया सबसे पहले जो था मालाबार कोस्ट पे आया, यहाँ बारिश की, केरल में सबसे पहले बारिश हुई। फिर धीरे धीरे क्या यहाँ से हवाएं तीन तरफ मुड़ गई, एक गुजरात की तरफ चली गई, एक सतपुड़ा और विंध्याचल में चली गई हवा, और एक जो है यहाँ से दिल्ली की तरफ चली गई, इधर से इसने रोक लिया, इसने राजस्थान में बारिश बारिश नहीं हुई अच्छे से, और यही पे गुजरात की इधर भी बारिश नहीं, थोड़े थोड़े इस इलाके में बारिश हो गई, ठीक है, यहाँ से हो गई, यहाँ वाला गया एक हवा सतपुड़ा और विंध्याचल में आके फंस कर रह गया, यहाँ से वाले से गया दिल्ली में हरियाणा में थोड़े थोड़े इस जगहों पर बारिश करवाना शुरू कर दिया। आया समझ में इतना? आया समझ में ना? तो ये हमारा एक पहला आज का जो वीडियो है इसमें मैंने आपको कौन सा ब्रांच के बारे में डिस्कस कर लिया, आज हमने अभी इसमें हमने डिस्कस किया अरेबियन सी वाले, अरेबियन सी, हमने अरेबियन सी ब्रांच, मॉनसून की कौन से ब्रांच के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने अरेबियन सी के ब्रांच के बारे में डिस्कस किया। कल की वीडियो में हम क्या बात करेंगे, यहाँ से जो ये वाला मॉनसून का ब्रांच जा रहा है बिहार बंगाल, कैसे ये जहाँ है, और मानसीराम और चेरापुंजी, पहले चेरापुंजी था अभी मानसीराम, चेरापुंजी असम में मेघालय में मानसीराम, कैसे यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश यहीं पे क्यों होती है, सबसे ज्यादा क्यों होती है, तो ये भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। फिर इसके बाद ये हवाएं जो होती है बच्चों यहाँ से जे इससे गारों से टकरा के इस तरफ मुड़ जाती है, इसे गारों से टकरा के इस तरफ मुड़ जाती है, मुड़ जाने के बाद ये बिहार उत्तर प्रदेश इन सब पे बारिश करके दिल्ली में फिर से वर्षा होती है, दिल्ली में दो बार बारिश होती है, इस ब्रांच से भी होती है, इस ब्रांच से भी होती है, फिर यहाँ बारिश होती है, फिर ये दोनों आपस में आते हैं, फिर
ये इधर से मुड़ते हैं, फिर राजमहल से टकराते हैं और फिर ये यहाँ पर आते हैं। तो ये सारी चीजें घटना है जो है कल मैं आपको कल के नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी के वीडियो में याद रखना मॉनसून का आप रास्ता, आप समझो आप मॉनसून हो, क्यों ना मॉनसून हो, और आप कहाँ कहाँ चल रहे हो। आपको मैं बोल रहा हूँ अभी आओ, मैं डेट वेट नहीं बता रहा कि एक एक तारीख को यहाँ आता है फिर नौ चार तारीख को फिर नौ तारीख को वहां चला जाता है, ये सब नहीं बता रहा हूँ। अभी बस आपको ये याद रखना है कि मैं कैसे, आप अपने आपको मॉनसून समझो और आप कहाँ कहाँ से एंट्री ले रहे हो, कहाँ कहाँ से मुड़कर चले जा रहे हो। और ये माउंटेन याद रखना, क्योंकि बारिश जो होती है इसी माउंटेन की वजह से ही जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, फिर आप अगर ऐसा मॉनसून आया लेकिन यहाँ पे बारिश नहीं हुई, तो उसके लिए जो मैंने आपको माउंटेन हिल्स बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना समझ में आया। कल की वीडियो में अब हम यहाँ पे बे ऑफ बंगाल वाले ब्रांच को एंट्री करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आप फिल करना और यहाँ से फिर हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।